ये हो गया मेन सप्लाई, मेन सप्लाई ठीक है। मान के चलो यहाँ से सप्लाई तुम्हारा, यहाँ से सप्लाई आएगा ठीक है, एक दो तीन चार पाँच है, मतलब ये दोनों एक ही है, एक ही है। ये सप्लाई इसमें से आएगा बाज बार, देखो बाज बार उधर है, तो बाज बार सप्लाई सीधा आएगा, यहाँ से आएगा यहाँ से, मतलब हमारा तीन सप्लाई है ठीक है। हम जब इसको चार्ज करेगा, मतलब इधर वाला जब इसको जब हैंडल को जब हमको चार्ज करेगा तब, हाँ तब ये क्या होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, कनेक्ट होकर क्या करेगा, ये हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, हाँ बीस होके हमारा ये आउट गोइंग में जाएगा। ये देखो, हाँ ये ऐसे देखो, ये आउट गोइंग है, यहाँ से जाके ये देखो कॉयल दिया है ठीक है, ये पुराना पहले का एनसीबी है, कॉयल होके ये हमारा आउटपुट में जाएगा। मान के चलो कोई भी फेज में प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत वो ट्रिप कर देगा, देखो ये ट्रिपिंग डिवाइस है ठीक है, ट्रिप कर देगा। अरे ये हो गया तुम्हारा एनओ एनसी है, तो अभी तुमको पता चला ये क्या है, ये फ्यूज़ हो गया, हाँ ये देखो इसे ये हो गया टाइमर जैसे हो गया ठीक है। ये तुम्हारा थ्री फेज के लिए थी, जब फ्यूज तो मान के चलो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये तुम्हारा कंट्रोल फ्यूज दिया, ये फ्यूज तुम्हारा कंट्रोल फ्यूज है ठीक है। ये फ्यूज होके ये तुम्हारा एनओएनसी होके, मतलब ये इसको एनओएनसी होके फ्यूज होके ये हमारा इसमें जाएगा, इसमें होके हमारा मेन जाएगा, हमारा एसी भी ऑन है कि नहीं वो चेक करने के लिए इसमें जाएगा। बेसिक फंड है इसमें ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें दूसरे में रहता है यूबी कॉल रहता है, मगर इसमें यूबी कॉल नहीं है ठीक है, इसमें इधर है यूबी की है, टिपिंग डिवाइस है ठीक है, और यूबी कॉल भी वाला दिखा रहा। चलो वाटर सप्लाई कहाँ आएगा, वाटर सप्लाई हमारा फ्यूज में, ये फ्यूज में आएगा, फ्यूज होके हमारा कहाँ जाएगा, ए से जाएगा, ये जब होल्ड ये जब ऑन करेगा ये सप्लाई होके हमारा पूरा मेन पैनल में चल जाएगा। मेन पैनल में हमको कुछ भी चला सकते हैं, मोटर चला सकता है, कुछ भी चला, ये देखो फ्यूज है, एच आर सी फ्यूज है, क्या फ्यूज बोलते हैं, एच आर सी फ्यूज, मतलब ये फ्यूज को निकल के मान के चलो ये खराब हो गया, तब क्या करना है तुमको, ये मैंने चलाना है, तब यहाँ से इसको तार जोड़ दो, यहाँ से सप्लाई इसमें आ जाएगा, ये सब फ्यूज है ठीक है। ये बाज बार देखो, बाज बार का दिया, इसको तुम पैनल का ड्राइंग भी हम तुमको दे देगा, और तुमको थ्योरी में देगा तो पता चलेगा जल्दी। ये देखो वहाँ से सप्लाई मान के चलो इसमें आ गया, इसमें होके सप्लाई है, अभी इसमें इसमें आ गया, इसमें होके देखो पूरा पूरा जो पैनल है जो पूरा पैनल में जाएगा ठीक है, करके मतलब मेन हमारा जो ए सी भी आया है वहाँ से होके, ये देखो कॉन्ट्रेक्टर है, कॉन्ट्रेक्टर में जाएगा, छोटा छोटा जो चीज़ है सब में उसी सप्लाई, हाँ पूरा सप्लाई में इसमें जाएगा ठीक है। ये देखो ये सप्लाई ये है, एक दो तीन, मतलब हमारा फेज आया सब सेम है, ये आके हमारा आउटगोइंग में गया, ये सब एन ओ एन सी है जो पहले बताया था, ये हमारा फ्यूज है, वो टाइमर है पुराना वाला है ना, ये हमारा देखो वोल्टेज डिटेक्टर, मतलब बी एस एस, मतलब हमारा क्या करेगा इसमें, हमारा कितना वोल्टेज है इसमें शो करेगा, हाँ हाँ। और ये क्या हो गया, ये हमारा एम मीटर सिलेक्टर स्विच, मतलब ए एस एम मीटर सिलेक्टर स्विच, एम्पियर को, हाँ ये हमारा एम्पियर बताएगा, ये हमारा वोल्टेज, मतलब कितना वोल्टेज है घुमा से, ये हमको ऐसे करके बताएगा ठीक है। हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रेक्टर है, कॉन्ट्रेक्टर होके ये तुम्हारा कंट्रोल सप्लाई जाएगा, कंट्रोल सप्लाई जाके ये तुम्हारा कंट्रोल के लिए, ये जो तुम्हारा कंट्रोल किया ना इसी को कंट्रोल के लिए ये हमारा कंट्रोल सर्किट इसमें यूज़ हो रहा है ठीक है। सब सेफ, इसको बोला जाता है ओवर करंट लिले, मतलब तुम्हारा करंट जब हाँ ओवर करंट होगा तो ये ट्रिप होगा, ये अर्थफॉल भी है ठीक है, ये मान के चलो ओवर करंट आ जाएगा कुछ भी हो जाएगा तो ये हमारा रिले सिस्टम है, ये ट्रिप पर इसको देखो पूरा सेम है ना, इसको घुमाएगा नीचे करेगा तो ऑन होगा, अभी ऑन है ठीक है, देखो अभी ऑन कंडीशन में है, इसका नीचे करेगा तो ये हमारा ये आउट हो जाएगा, ये देखो पूरा ऑन कंडीशन में पूरा सेम है पूरा ठीक है, देखो पूरा सेम सब एक ही है, सब एक ही टाइप का है, पूरा सेम है सब, सब सेम है। अभी देखो इसको बढ़िया करके देखो, ये ऐसे भी तुम्हारा हर जगह मिलेगा अभी ठीक है, इसमें एक एक करके बता रहा क्या बोले, मान के चलो ये तुम्हारा नहीं छट रहा है, कभी कल क्या होता है ये छट्टा है, ये छट्टा है मगर ये नहीं छट रहा है, इसको भी देखो तीन पॉइंट है, सेम फंडा है देखो, यहाँ से सप्लाई आएगा, ये देखो इसमें सप्लाई आएगा, यहाँ से सप्लाई होके ये हमारा इसमें आएगा, ये कनेक्ट होगा, ये सप्लाई होके हमारे नीचे होके निकल जाएगा ठीक है। तीन पेज है, फिर तीन पेज रहता है ना आर आई बी, हाँ तो तीन पेज है, एक दो तीन ठीक है। मान के चलो तुम इसको चार्ज किया है, चार्ज कर ये हैंडल रहता है इधर, ये हैंडल लगे तुम इसे चार्ज करेगा तो क्या होगा, ये तुमको पहले बताया ना नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन, वो वाला देखो पूरा एन एनसी है पूरा ठीक है। और इसका अंदर देखो यू बी कॉल, ये देखो ये मेन चीज़ है, इसको देखो यू बी कॉल ठीक है, ए सी बी को थोड़ा उल्टा कर दो, उल्टा कर दो थोड़ा सा, यू बी कॉल को आस्ते से पता करो, फिर करो, फिर यू बी कॉल का पता चला कैसे करो। ये देखो ये वाला जो हो गया, इसको देखो बढ़िया करके, ये वाला जो हो गया ना, ये हो गया यू बी कॉल, यू बी कॉल का काम होता है, यू बी कॉल ठीक है, अच्छा ठीक है। एन ओ एन सी कहाँ यूज होता है, मान के चलो तुम्हारा कोई सर्किट को बंद करना है, कोई सर्किट चालू करना है, तब तुम्हारा ये तुम्हारा
सर्किट हमारा यूज होगा, ठीक है। ये पूरा है, ये एनआईसी का पूरा पार्ट है, ठीक है। इसके पीछे भी है, ये तुम्हारा मान के चलो होल्ड नहीं कर रहा है, यह से भी एडजस्ट होता है। देखो ये जो है ना पॉइंट, यह से भी तुमको खोल के इसको तुमको एडजस्ट करना। मान के चलो नहीं छट रहा है, मतलब ये जो तुम्हारा ये तीनों नहीं हो रहा है, तब तुमको ये वाला पॉइंट क्या करेगा, इसको उठा के थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तब ये तुमको छट जाएगा एसीबी का। ये तुम्हारा पूरा फुल मेंटेनेंस हम बता दिए इसे एसीबी का पूरा। ये देखो एनओएनसी का जो बता रहे ना साइड में था, ये देखो साइड में, पूरा साइड में ये भी एनओएनसी, यहाँ से सप्लाई होके वो हमारा उसमें गया एनओएनसी पॉइंट, वहाँ से हमारा मेन सर्किट में चल जाएगा।